हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा बिल्कुल नए तरीके का नाश्ता। झटपट बनकर रेडी हो जाता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, इसे ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हमने ये एक मैगी का पैकेट लिया है, इसको पैकेट से हमने मैगी को निकाल लिया है। इसको हम इस तरीके से हाथों से तोड़ लेंगे। अब ये हमने एक मीडियम साइज के प्याज ली है जिसे फाइन चॉप कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। इसमें एक कट किया हुआ हरी मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, एक चौथाई चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। और देखिए, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा थोड़ा कम ही ले, हरी मिर्च आप स्किप कर सकते हैं। इसमें धनिया ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, नमक ध्यान से ही डालना है। चाट मसाला ऐड किया है, चाट मसाले में भी ऑलरेडी नमक होता है। अब इसमें हम मैगी मसाला ऐड करेंगे, लेकिन आज हम ये पैकेट वाला जो मसाला आता है मैगी के अंदर वो ऐड नहीं करेंगे। इसकी जगह पर जो हमने होममेड घर में मैगी मसाला बनाया है उसको हम ऐड करेंगे। एक चम्मच इसमें हम मैगी मसाला ऐड करेंगे। तो देखिए, होममेड मैगी मसाला बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही अच्छा बन जाता है घर पे। इसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत ही आसान है इसे घर पे बनाना। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब एक बर्तन में हम 3 चम्मच मैदा लेंगे। तो ये हम मैदा बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इसको हमने घोल लिया है, इतना गाढ़ा ही हमें इसे रखना है। तो इसमें अब हम जो हमारा घोल है उसको मिक्स करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैगी से बनने वाला बहुत ही अच्छा, आसान और टेस्टी चटपटा नाश्ता है, चटपट बनकर रेडी हो जाता है। आप ज़रूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्पेशली बच्चों को तो मैगी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, आप इस तरीके से उन्हें मैगी का नाश्ता बना कर दे सकते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए, मिक्सचर को हमें इतना ही रखना है, मतलब इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पानी अपने हिसाब से डालें। घोल में बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें। अगर आपको बाद में से लगे, ज़रूरत लगे कि ये मिक्सचर आपका थोड़ा ड्राई है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बस ध्यान से पानी डालना है बिल्कुल इसमें। अब हम गैस पर पैन में 1 चम्मच ऑयल लेंगे, इसको हम फैला देंगे। अब हम मैगी के मिक्सचर को लेंगे हाथों में और इसको हाथों से ही इस तरीके से शेप दे देंगे थोड़ा सा। अगर आप इसको अपने हिसाब से किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसी तरीके से सारे बनाते हुए हम इसमें पैन में डालते जाएंगे। तो देखिए, इसको बनाते वक्त हमने गैस के फ्लेम को लो पे रखा था, अब गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसको हम ढक देंगे। ढककर हम इसे थोड़ी देर पका लेंगे। तो इसको हमने थोड़ी देर पका लिया है, अब पलटेंगे इसको ध्यान से। देख सकते कितना अच्छा इसका कलर आ गया है, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं ये। तो इसको हमें दूसरी साइड पे सिकने देना है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ढक देंगे इसको और दूसरे साइड पे सिकने देंगे। तो इसको हमने थोड़ी देर पका लिया है, तो देख सकते हैं दूसरी साइड भी बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं। तो ये हमारा मैगी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन चुका है। गैस हम ऑफ कर देंगे और उसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो लीजिए, ये हमारा मैगी का बिल्कुल नया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बना है।
देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। बच्चों का ये बहुत ही ज़्यादा मनपसंद नाश्ता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल नए तरीके का नाश्ता है, बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ज़रूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ही हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने प्यारे से कमेंट में भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।